सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। और फाइनली अब मैं 90 mm का आपको रिजल्ट दिखा पाऊंगा जो कि काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर वेट कर रहे थे। एंड सॉरी गाइस, अभी इसका एस्ट्रो रिजल्ट नहीं है क्योंकि समाओ मैं अनेबल हूँ मून को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो रात को काफ़ी डिले हो रहा है और किसी रीज़न से मैं उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। बट जल्दी उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बेसिकली गाइज, इसमें जो यूज़ आपको दिख रहा है ये है मोबाइल अडेप्टर जो कि एक डायगनल के साथ कनेक्टेड है, और ये फोकसर है हमारा। एंड जैसा कि आप देखेंगे, फोकसर हम इस तरह से फोकस सेट करते हैं और जिस पे ये हमारा टेलीस्कोप माउंट हुआ है, और ये है बेस प्लेट कहते हैं इसे हम। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी टेलीस्कोप के लिए। अगर कोई टेलीस्कोप बना रहा है और ट्राईपॉड है उसके पास और समाउ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इससे कुछ भी कहीं पे भी ट्राईपॉड के साथ आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका फंक्शन कितना अच्छा है, इसका आप सेंटर कैसे कर सकते हैं वो भी अभी मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो गाइज़, ये जिस तरह से ये टेलीस्कोप बना है, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लेंस भी इसमें काफ़ी मोटा लेंस है, और जिसका 90 mm इसका पूरा साइज़ है। तो सारा कुछ सेटअप होने के बाद इसका वेट काफ़ी कम से कम 3-4 किलो हो जाता है या उससे ज़्यादा ही होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मेरे पास ट्राईपॉड था उसने उसे सिर्फ हैंडल कर लिया है कैसे ना कैसे, बट आई नो इसके लिए काफ़ी रोबस्ट अपने को ट्राईपॉड चाहिए। सो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं गाइस। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने टंकी लगी हुई है, तो इस पे जो मार्किंग हो रखी है ब्रांड की वो है प्लास्टो। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है अभी जो हम देखेंगे। तो ये देखिए गाइस, अभी मैं अपना, और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये है 1+3T, इसका भी कैमरा काफ़ी अच्छा है। सो जैसे ही हमने कैमरा ऑन करा है, और आपको ये मोबाइल अडेप्टर को कैसे सेटअप करना है इसका भी वीडियो मैं डालूँगा। तो देखिए गाइस, प्लास्टो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था एकदम ही क्लियर विजिबल है इस टेलीस्कोप के थ्रू। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सो देखिए गाइस, एकदम जूम करा है मैंने जो कि प्लास्टो दिख रहा है, बट अभी हमें एकदम से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हम अपने 90 mm टेलीस्कोप से देखेंगे, और आईपीस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें वो है 25 mm का इसमें आईपीस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका ब्राइटनेस, जितना बड़ा लेंस होता है उसमें क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लियर आती है, और जितना छोटा लेंस होता है उसकी क्लैरिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर साइज। सो आप देख ही रहे हैं कितना क्लियर विजिबल है। और ये एक तरीका है आप एस्ट्रोनॉमी में, अगर जिस तरह से अभी डे लाइट में इसे कैप्चर कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू, आप इसको वीडियो बना सकते हैं, आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हैं इस तरह से। मैं भी इसी तरह से अब खींच पा रहा हूँ, पहले नहीं खींचता था। पहले मैं अपने हाथ से पकड़ के लगा रहता था जिसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होता था। तो ये एक मस्ट चीज़ है, मोबाइल अडेप्टर तो होना ही चाहिए। और ये डायगनल, क्योंकि डायगनल के थ्रू आप मोबाइल को ऊपर की तरफ देख पाएंगे, डायगनल नहीं है तो मोबाइल नीचे लटक जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से जूम भी कर सकते हैं जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा शेकी होगा क्योंकि अभी ट्राईपॉड हमारा इतना रोबस्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, बट एनीवे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि ये चीज़ें नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे जुपिटर भी देखेंगे तो उसमें एक बिल्कुल स्टेबल पोजीशन चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी जो ये शेकनेस हो रही है, ये जो पंखा चल रहा है इसकी हवा चल रही है, इसकी वजह से काफ़ी माइनर भी शेक होता है ना, तो वो आ जाता है। तो जैसे ही अभी दिखाऊँगा मैं आपको, ये अभी मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसमें टच करते हैं तो पूरा वो हिलने लगता है। ये देखिए, ये है आईपीस का साइज़। तो मैंने कितना जूम कर लिया था आप देखिए, और जूम करने के बाद भी कितना विजिबिलिटी हमारी कितनी क्लियर है, जैसा कि आपको दिख रहा है प्लास्टो क्लियर लिखा हुआ रहा है। और यहाँ पे आई
आई थिंक बटरफ्लाइज भी इधर उधर हो रही थी, वो भी अभी क्लियर दिखेगी आपको। ये देखिए, आई मीन इसका ये देखिए, अब ये हो गया एकदम स्टेबल पोजीशन, पंखा वगैरह बंद है, एकदम ही स्टेबल। जैसे मैंने फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा लग रहा है ना, बट ये देखिए नीचे एक रस्सी बंधी है, वो हिल रही है। तो इस तरह से हम एक अच्छी एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं विद लो कॉस्ट में। बट ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, जैसे मोबाइल अडेप्टर एंड कैमरा बेस प्लेट, जिसके बारे में भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो ओवरऑल इसका व्यू बेस्ट है, आई मीन 90 mm इज़ वेरी ग्रेट रिजल्ट इन डे लाइट टाइम एंड टेरेस्ट्रियल। पहाड़ भी देखेंगे आप, कुछ भी देखेंगे अपनी छत से या कुछ भी, उसके लिए बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं गाइस। और ये है कि अब कई बंदों का ये प्रसप्शन होता है कि बड़ा लेंस से तो बड़ा व्यू आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फोकल लेंथ का मेन कंसर्न होता है, फोकल लेंथ लंबी है तो एक स्मॉल पॉइंट पे फोकस होगा, और फोकल लेंथ कम है तो वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा आएगा, आई मीन ज़्यादा एरिया स्काई कैप्चर होगा उस लेंस के थ्रू। सो ये फाइनली सेटअप हमारा आपको दिख रहा है, ट्राईपॉड के साथ पूरा सेटअप हो चुका है और बिल्कुल ही प्रोफेशनल लुक लग रहा है गाइस ये। बस इसमें थोड़ी फिनिशिंग, आई मीन कलरिंग जो करनी है हमें टेलीस्कोप की, वो मैं करूँगा बाद में जब इसमें का फाइनलाइज हो जाएगा। और पीछे आप टेबल में देख रहे हैं कि अपना 50 mm का ट्राईपॉड पड़ा हुआ है, तो उसमें भी मैंने इस बेस प्लेट को यूज़ करा था धर्मशाला में, तो उसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। रिज़ल्ट एक्चुअली मेरे को कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी मज़ा आए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का रिज़ल्ट ही बहुत ही अच्छा होता है उसको देखने का। सो गाइज, ये बेस प्लेट है जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा था, और ये मैंने अमेजोन से परचेज़ कराया, मंगवाया, और लिटरली इसका रिज़ल्ट, आई मीन इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, किस तरह से मैं माउंट करूँगा। आई मीन अगर मैं इन फ्यूचर कभी ट्राईपॉड खरीदता भी हूँ तो ये बेस प्लेट तब भी यूज़ हो जाएगा, इसमें इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हमारा आईपीस और बेस प्लेट होगा, उसका अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, सारा कुछ मैंने कैप्चर कर रखा है। सो गाइज, अब कुछ मैं आपको कुछ इस बेस प्लेट का कुछ फंक्शन दिखाना चाहूँगा कि एक प्रॉफिटेबल एंड इसकी यूनिकनेस क्या है। तो हमारा जिस तरह से टेलीस्कोप का एक सेंटर पॉइंट होता है, आई मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोकस करने के लिए ना इधर गिरे ना उधर गिरे, तो इसके लिए ये पिन होती है गाइज। आई मीन ये जो प्लेट देख रहे हैं आप ऊपर, मेड इन इंडिया के, तो इसे हम रिलीज़ करेंगे तो ये प्लेट हमारी स्लाइड होती है। तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप आगे पीछे करके आपको बिल्कुल 180 डिग्री में रख के तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाता है वहाँ पे आप इसे टाइट कर देंगे। तो ये इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम इसको अपने हिसाब से सेंटराइज कर सकते हैं और ये ज़्यादा हिलता नहीं है। फिर ये देखिए, अब ये इधर गिर रहा है, अगर मैं हल्का सा हाथ से इधर कर रहा हूँ तो ये इधर गिर रहा है, यानी वेट मेरे लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है। अब मैं इसे आगे कर दूँगा तो अब अगर मैं छोड़ता भी हूँ तो ये देखिए ज़्यादा उतना फोर्सली नहीं हो रहा है, तो यानी इसे हम टाइट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टेलीस्कोप को हम मूव भी करें तो ये एकदम ऊपर नीचे ना हो। तो ये देखिए गाइस, इस बेस प्लेट का बहुत ही बेस्ट यूज़ है, आई मीन ये तो आप ले ही लीजिए अगर आप टेलीस्कोप परचेज कर रहे हैं तो। सो फाइनली ये कुछ टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मेरे को बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अभी मैं आपको मून की भी वीडियो दिखाऊंगा, उसमें जो रिज़ल्ट मेरे को इस बेस प्लेट के कारण मिला है। सो अभी मैं कुछ दिन में इसका एस्ट्रो रिज़ल्ट भी डालूंगा, आई मीन जो मून की क्लैरिटी से क्रेटर्स वगैरह किस तरह से दिखते हैं। सो और भी आई मीन बहुत अभी गैलेक्सी वगैरह भी कैप्चर करने के लिए उसमें हमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करनी पड़ती है, तो वो भी बाद में आएगा। पहले आप ये मून का रिज़ल्ट देखिए जो कि अब है ड्राउन। तो गाइज ये रिज़ल्ट जो है ये 50 mm का रिज़ल्ट है, आप देखेंगे ये है हमारा 8 mm आईपीस के साथ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो है 50 mm, आई मीन ये 90 mm का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि
इस तरह से आप अपने लिए कैप्चर कर सकते हैं मून की सरफेस। और ये जिस तरह से मूवमेंट हो रही है गाइज, ये है अर्थ रोटेशन। आई मीन मेरा ट्राइपॉड एंड सेटअप एक ही जगह रखा हुआ था, बट ये जो मूवमेंट हो रही है ये अर्थ की रोटेशन है, ये अर्थ की स्पीड पर सेकंड जो हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स भी कितने क्लियर विजिबल हो रहे हैं 8 mm आई स्पीड से। सो आपको कैसा लगा वीडियो बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड गाइज ये 25 mm आई पीस के साथ जो 50 mm का हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ये रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं। सो देखिए बिल्कुल स्टेबल पोजीशन एंड क्लैरिटी कितनी अच्छी है, कोई कलर फेडनेस नहीं है। सो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिसे एस्ट्रोनॉमी पसंद है, और जो वेट कर रहे थे ऐसा रिजल्ट मैं 90 mm का आगे ज़रूर लेके आ रहा हूँ, और भी कुछ लेके आ रहा हूँ। So again, thank you very much for new subscriber and keep supporting. Okay guys, so take care, bye. See you in next video too.